नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह जी की, जिनके तल्ख तेवर लगातार सामने आ रहे हैं और आज उन्होंने रेवाड़ी में अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली और उसमें जम करके वो दहाड़े। लगातार उनके बयानबाजी मीडिया के अंदर आ रहे हैं और वो बादशाहपुर से चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं और कहें कि किस तरीके से भाजपा को निशाने पे ले रहे हैं, चाहे 2019 में उनकी टिकट कटने का दर्द हो, और किस तरीके से वो बार बार यानी कि भाजपा को चेता रहे हैं कि आपने जो 2019 में गलती की, अगर 24 में भी गलती की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 2019 में 75 पार का नारा लगा करके किस तरीके से सिटिंग जो एमएलए थे उनकी टिकट काटी गई और उनका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, और उसी को लेकर के आज चिता रहे हैं। लगातार बादशाहपुर में भी कर रहे हैं, गुरुग्राम में भी कर रहे हैं और रेवाड़ी वो पहुंचे हैं। तो रेवाड़ी पहुंचने के क्या मायने हैं, सीधे विनय यादव जो राजनीति विश्लेषक है उनसे हम जानेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है, आखिर राव नरबीर सिंह क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, या फिर पिछले दिनों जिस तरीके से जो उनके संबंधी हैं दान सिंह जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हारे हैं और उनके ऊपर जिस तरीके से ईडी की रेड पड़ी है, तो क्या सारे मायने हैं, कहां इनका कनेक्शन जुड़ता है, किस तरीके से जुड़ता है, क्या पार्टी छोड़ेंगे, क्या फैसला लेंगे, विनय यादव जी से जानेंगे। विनय जी, आपने देख लिया होगा गुड़गावा होते होते वो रेवाड़ी पहुंच गए और आज रेवाड़ी अपने कहें के धारवीड़ा चुंगी पे जो उनका कार्यालय है वहां पर जमकर के दहाड़े भी हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहन जी, राव नरबीर सिंह बहुत ही पुराने नेता हैं। वो एक विधानसभा से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कई विधानसभाओं से वो बारी बारी चुनाव लड़ चुके हैं और दक्षिणी हरियाणा में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां पर उनके निजी वर्कर ना हो या उनको लोग ना जानते हो, चाहे वो संख्या कितनी भी हो, मगर वो किसी भी विधानसभा में अपनी मीटिंग करने में वो सक्षम है, क्योंकि उनका पुराना बैकग्राउंड अन्य भी कई पार्टियों में रहा है, वो अलग अलग पार्टियों में रह चुके हैं, तो इसकी वजह भी एक अच्छी उनकी पकड़ है इलाके के अंदर। और दर्द जो है वो केवल राव नरबीर को नहीं है टिकट कटने का 19 में, ये दर्द बहुत से भाजपा के पुराने नेताओं को है जब 19 में उनकी टिकटें काटी गई। तो मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है कि इस बार का जो माहौल है, जो रास्ता है भाजपा के लिए बहुत कठिन है, वो आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह एक लॉबी तैयार हो गई है एंटी राव लॉबी, राव लॉबी, उसको भी देखते हुए भाजपा के बड़े नेताओं को बड़ा ही सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। उसी का ये वजह है अगर राव नरबीर सिंह लगातार अलग अलग विधानसभाओं के अंदर अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं और वो भाजपा हाई कमान को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, अगर इस बार भाजपा के जो पुराने कैडर के लोग हैं या टिकट के जो दावेदार हैं जो जीत दिला सकते हैं उनकी टिकटें काटी गई और अगर कहीं किसी और के दबाव में टिकट वितरण में समझौता किया गया तो उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। तो ये एक आप मान के चलिए 19 में जिनकी भी टिकटें कटी थी वो सब अपने अपने विधानसभा में, चाहे रणधीर कापड़ीवास है, चाहे नरवीर है या और अन्य विधानसभा में जितने भी जो नेता है वो इस बार कोई भी 19 वाली गलती को नहीं दोहराना चाहते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही सीधा सा फंडा है, या तो पार्टी हमें टिकट दे वरना हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े चाहे दूसरी पार्टी से लड़ना पड़े। लेकिन ये दमखम 19 में क्यों नहीं दिखाया, जब 19 में टिकट कट गई और 14 में आप पार्टी के अंदर ज्वाइन हुए, 14 से पहले ही तो वो गए, उससे पहले तो काफी सारी उन्होंने पार्टियां बदली है, कभी हजका में थे, कभी कांग्रेस में थे, कभी किसी के अंदर गए, पहले बीजेपी में थे, तो कहें कि एक तरीके से उनकी तो पार्टियां भी लिख लिख करके याद करनी पड़ती है कि कई सारी पार्टियां उन्होंने बदली है। 14 के बाद वो स्थायी रहे, मंत्री बने, चुनाव जीत करके गए मोदी की लहर के अंदर, 19 में उनका टिकट कट गया। तो अब ये दर्द जो छलक रहा है इसका मैं रीजन जानना चाह रहा हूं, क्या उनके संधि के रेड पड़ी या कहेंगे राव इंद्रजीत सिंह महेंद्र अटेली चले गए और राव दान सिंह के लेकर के विरोध में प्रचार कर गया, उससे दान सिंह हार गए, वो दर्द पीड़ा कहीं है या फिर ईडी की रेड जो पड़ी है उसका दर्द कहीं है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले दर्द तो सभी राजनेताओं का अपने अपने टिकट कटने का दर्द है, वो सबसे बड़ा है। इस बार जो संदेश दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि किसी भी नए कैंडिडेट को या पैराशूट लैंडिंग पार्टी के अंदर नहीं हो, या जो पार्टी की गतिविधियों में नहीं संलिप्त रहे, किसी के आशीर्वाद से टिकट लाने के सपने देख रहे हैं, उन सबको ये हिदायत और ताकीद कर रहे हैं वो इस तरह के वो सपने ना देखे, पार्टी के बड़े नेता भी उस लीग पर ना चले, बिना किसी दबाव के जीतने वाले कैंडिडेट को और जो
लगातार अपनी विधानसभाओं में सक्रिय रहे, उन कैंडिडेट्स को टिकट दी जाए। अब एक तरह से आप मानिए कि लॉबी तैयार हो रही है, धीरे धीरे वो लॉबी तैयार हो रही जो पुराने भाजपा के अंदर 14 के अंदर चुनाव जीते थे और रहे थे, जिनकी 19 में टिकटें कट गई थी, वो संदेश भाजपा के हाईकमान को दे रहे हैं। 2019 का जो चुनाव था उस समय 75 पार का नारा दिया गया था और उस नारे के अंदर सभी को ये लग रहा था सरकार आएगी, अच्छे बहुमत से आएगी, इसलिए आप सब लोग चुप रहे, और उन सबको आश्वस्त भी किया गया था आपको किसी ना किसी पद के ऊपर, कैडर के ऊपर एडजस्ट कर दिया जाएगा। पार्टी के अंदर बहुत सारे पद होते हैं जिनके ऊपर नेताओं को रखा जा सकता है, उनको अब लगता है कि नहीं है, अब उनको ये लगता है कि पिछली बार का जो लुभावने वादे थे उन पे वो कोई विश्वास नहीं करना चाहता है, पार्टी के उन लुभावने वादों पे, इसलिए सब उन्हें पता है कि राजनीति में अगर जिंदा रहना है तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। या फिर ये 5 सीटें जो गवाई है भाजपा ने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ना कि हरियाणा की कमान तो खुद अमित शाह ने संभाली हुई है, पंचकुला के अंदर राव को ही कहने का इशारे में कह गए कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ऐसे में टिकट मांगना सीधा अमित शाह को चैलेंज करना, मोदी को चैलेंज करना, जबकि मोदी के नाम पर ही 2014 में जीते, उससे पहले कई चुनाव हारे हैं लगातार, चाहे हजका से चुनाव लड़ा तब भी वो हारे, लेकिन 2014 में मोदी लहर में वो जीत गए, मंत्री भी बने, तो फिर टिकट कटी इनकी, तो आप ये मान के चलिए पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देख ही रही होगी। देखिए मोहन जी, पार्टी पूर्ण रूप से सब देख रहे हैं किस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, उनका किस तरह का रवैया चला, इस तरह चल रहा है पार्टी के लिए चल रहा है या लोगों के अंदर चुनाव के लिए चल रहा है, सब पे उनकी निगाह है पार्टी के सीनियर नेताओं की। मगर एक और है जो एंटी राव जो लॉबी है, वो एक संदेश इसके मार्फत ये भी देना चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से राव की भागीदारी, हमें प्रत्यक्ष रूप से दखल उनका पसंद नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बेशक राव साहब अपनी पुत्री को या अपने एक दो चहेतों को टिकट दिलवाएं, मगर ये ना हो अगर वो पूरे दक्षिणी हरियाणा के एकमात्र अपने आप को नेता सिद्ध कर रहे हैं भाजपा में, ये वो बिल्कुल भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल नहीं चाहते ना, वो चले देंगे। या फिर इनको दर्द है राव तीसरी बार भी चुनाव जीत के, भले ही मार्जिन कम है तो पार्टी उनको ज्यादा तवज्जो ना दे, 19 में टिकट कट गई फिर वो हाल दोबारा से ना हो जाए, ये डर आपको क्या लगता है किसी एक नेता में समा रहा है या औरों में भी समा रहा है, या सारे जिनकी टिकट पिछली बार कटी थी वो भी घबराहट के अंदर है कि राव को अगर फिर राव का हाथ रखवा दिया, राव के कहे अनुसार टिकट बटी तो हो सकता है हमारी टिकट फिट कर जाए। देखिए मोहन जी, डर दो तरह का है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर, पहला दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो उनमें डर यह है कि राव साहब तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं, वो अपनी राजनीति को आगे स्थापित करने के लिए वो चाहते हैं कि मेरी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी टिकट वितरण में रहे, अपने मैं आदमियों को, निजी व्यक्तियों को टिकट दिलवाऊं जो केवल उनके प्रति लॉयल रहे, पार्टी के प्रति ना रहे, ताकि उनका दखल आगे की राजनीति में पुराने तौर तरीके से उनके अंदाज में बना रहे, और जिस तरह की वो हर एक पार्टी में दबाव की राजनीति करते हैं वो दबाव की राजनीति उनकी चलती रहे। मगर अब इसके विपरीत और जो भी नेता थे वो भी सब राव साहब की तरह दबाव की राजनीति करने लग गए हैं, चाहे उसके अंदर भाजपा के आप किसी भी नेता को देख लीजिए। दूसरा डर उन्हें सबसे बड़ा यह है, अगर भाजपा के अंदर किसी को पूर्ण रूप से भरोसा नहीं है, अगर आपकी हां करने के बाद भी आपको टिकट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि भाजपा की जो पहले की जो आप देखें कि उनके क्या क्रियाकलाप थे और जो उनके आश्वासन थे उन पे भाजपा के नेता ही भरोसा नहीं कर पा रहे, टिकट आपकी एश्योर्ड आपको मिलेगी। लेकिन राव नरवीर तो भाई खट्टर के खासम खास थे, उस योजना के अंदर कहे कैबिनेट मंत्री थे और खट्टर के बाद दूसरे ऐसे बड़े नेता थे, दूसरे बड़े ऐसे मंत्री थे जिनकी चलती थी पीडब्ल्यूडी, उनके पास मंत्रालय था, तमाम उनको अधिकार दिए, जब खट्टर के रहते हुए अगर टिकट कट गई तो अब तो खट्टर की भी मान लो जैसे राव इंद्रजीत ज्यादा ताकतवर बन करके उभरे हैं, तीसरी बार चुनाव यहां पर से जीतते हैं, तो आपको नहीं लगता ये डर कहीं ना कहीं राव नरवीर को इसलिए सता रहा है? रेवाड़ी जो मीटिंग करी इसके क्या मायने में मांग के चलो? देखिए मोहन जी, रेवाड़ी मीटिंग करने के मायने ये हैं कि वो एक लॉबी तैयार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव का नाम लिया, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि नांगल चौधरी से अभय सिंह को टिकट मिलनी चाहिए और वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी प्रेडिक्शन उनकी रेवाड़ी में भी रही होगी किसी ना किसी नेता के लिए और विधानसभाओं में भी रही है, तो ये एक मैसेज दे रहे हैं। और पार्टी के जो स्टेट के जो नेता हैं, चाहे उनके अंदर आप सीएम सैनी साहब को माने या पुराने खट्टर साहब को माने, वो भी चाहते हैं कि पूर्ण इतना दखल राव साहब का ना पड़े, उनको दबाव में रहना पड़े, तो वो चाहते हैं कि पार्टी में इस तरह का समान वितरण रहे, राव साहब की भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे और उनके जो कैडर के नेता हैं जो खट्टर साहब के नजदीक हैं या भारतीय जनता पार्टी के अन्य स्टेट के जो पुराने नेता उनके नजदीक है उनको भी मान सम्मान मिले, वो भी पार्टी में बने रहे। तो राव नरवीर का ये दबाव काम करेगा आपको? बिल्कुल काम करेगा, बयानबाजी या पार्टी के अंदर बिल्कुल और खींचतान होगी, पार्टी के आला नेता चिढ़ेंगे जिस तरीके से आप चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप टिकट वितरण करने के लिए कह रहे हैं, जिस तरीके से आप कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो एक मैसेज तो कहीं ना कहीं जाएगा ना
या फिर लगता है कि फिर पार्टी ही साफ हो जाएगा। अब नरवीर को भी एहसास हो गया है कि हो सकता है आपकी 24 में भी टिकट कटेगी, तो कोई और रास्ता आप विकल्प तलाश ले पहले तैयारी कर। देखिए मोहन जी, भाजपा के पुराने कैडर के जिनकी 19 में टिकट कटी थी, वो सब चाह रहे हैं पूर्ण रूप से वो उनकी टिकट आश्वस्त और उनको टिकटें मिले। अगर उनको टिकटें नहीं मिलती है तो उनका आगे का एक रास्ता खुला रहे, वो पार्टी को ये कहने लायक हो जाए अगर लगातार हमारी आपने दूसरी बार टिकट काटी है तो हम आपको अलविदा कह सकते हैं, हम अपना नया विकल्प तलाश सकते हैं, जिसका उदाहरण उन्होंने दिया पिछली बार 75 पार के नारे के बावजूद भाजपा 40 पर सिमट गई थी। तो इसका मतलब भाजपा का इतना वोट बैंक नहीं है, अगर वो अपने ही किसी ओरा या केवल भारतीय जनता पार्टी के नाम के ऊपर अपने विधायकों को जिता लाए और वो सरकार बना सके। तो मानते हैं भाजपा संकट में है, हरियाणा के संकट में है। मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा दो तरफ से संकट में है। दक्षिण हरियाणा की बात करें तो एक तरफ तो राव इंद्रजीत सिंह का दबाव पूर्ण रूप से काम कर रहा है और दूसरा जो और भाजपा के जो नेता हैं जिनकी टिकटें कटी थी या जो सिटिंग विधायक हैं जो एंटी राव लोबी में काम करते हैं, राव साहब जिनको अपना एंटी मानते हैं, अब जो आपके विश्वास पात्र नहीं है मगर पार्टी के विश्वास पात्र हैं, तो राव साहब उनको अपना नजदीकी नहीं मानते, पार्टी उनको लाना चाहती है जो पार्टी के कैडर के लिए काम करे। ऐसा ना हो कहीं अल्पमत में सरकार हो और वो छोड़कर चले जाए बीच में, अभी और मुखर होंगे आपको लगता है मुखर। जैसे जैसे भी सर्वे चल रहा है, क्योंकि कई लेयर के अंदर सर्वे चल रही है पार्टी की, कौन कौन टिकट है, उनकी बकायदा जन्म पत्री देखी जा रही है, उनके गण बकायदा मिलाए जा रहे हैं, पिछला कार्यकाल उनका देखा जा रहा है, ये तमाम चीजें क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर राव नरवीर यह है संतोष है या फिर जैसे कापड़ीवास का भी आप देख रहे होंगे लगातार मुखर हो रहे हैं, तो ये तमाम लोग आगे और मुखर आपको मिलेंगे। मोहन जी मुझे तो ये लगता है कि दक्षिणी हरियाणा की जितनी भी सीटें हैं उन सीटें को ऊपर जो भी भाजपा के टिकट के दावेदार हैं जो एंटी राव लोबीस हैं उनका सबका एक ही इस बार एजेंडा है, या तो टिकट दी जाए वरना हम अपना नया विकल्प तलाशेंगे और पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा का पार्टी साफ हो जाएगा आपको लगता है? अगर मोहन जी भाजपा ने टिकट वितरण के अंदर पूर्ण रूप से अगर अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दी, पैराशूट लैंडिंग्स कराई, तो भाजपा का पिछली बार से भी कम सीटें आएंगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो ये विनय यादव जी से जो बता रहे थे राव नरवीर की आखिर जिस तरीके से जो बयानबाजी है उसके मायने क्या है, क्योंकि 2019 में जो टिकट कटी जिन लोगों की उनका दर्द कहीं ना कहीं है। कापड़ीवास जी ने हिम्मत दिखाई थी, चुनाव लड़ा था बागी होकर के असली नकली पे, तो वहां तो कहें कि राव नरवीर चूक गए, लेकिन अब अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन ये दमखम 2024 की टिकटें बटने तक कितना रहेगा ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से राव नरवीर मुखर है और लगातार लोगों से संपर्क में है, कार्यकर्ताओं से संपर्क में है, ताल ठोक रहे हैं कि वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे और वो भी बादशाहपुर से, क्योंकि पिछली बार बादशाहपुर से उनकी टिकट कट गई थी, किसी और को टिकट मिली थी, वो दर्द भी कहीं ना कहीं है। तो नेताओं का जो दर्द झलक रहा है भाजपा के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे में भाजपा कैसे इन नेताओं से निपटेगी अभी ये देखना होगा, लेकिन चुनाव आते आते ये नेता अभी और भी मुखर होंगे और जिसको लेकर के भाजपा पसोपेश में फंसती नजर आएगी और उसी का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठाना चाहती है कि किस तरीके से तमाम जो लोग बागी होंगे इनको अपनी पार्टी में लाया जाए। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।